ये कहानी कुछ बहुत ही ज्यादा पुरानी है, शायद कुछ साल 2002 की। 2002 में क्रेगलिस्ट वेबसाइट काफी नई थी। बहुत लोगों को ये नहीं मालूम कि बैक इन दोज डेज क्रेगलिस्ट काफी अलग थी। तभी वो बस बाइंग वेबसाइट नहीं थी, वहाँ पे लोग सेल भी कर सकते थे अपनी चीजें जो पुरानी हो चुकी है या फिर उन्हें यूजफुल नहीं है। मैंने बास्केटबॉल हुक, हॉकी नेट और कार स्पॉइलर काफी कम रेट में खरीदी थी क्रेगलिस्ट वेबसाइट से, और वो भी काफी परफेक्ट कंडीशन में। एनीवेज, मैं और मेरा बच्चा दूसरी हॉकी नेट बाय करने की सोच रहे थे ताकि हम हमारे बैकयार्ड में दो हॉकी नेट लगा दे और प्रैक्टिस करे। और मुझे जैसी हॉकी नेट चाहिए थी वैसे ही हॉकी नेट का एड क्रेगलिस्ट पे लगा था। वो हॉकी नेट बस $50 में थी, वो भी एक पग के साथ और उसके साथ थोड़ी सी यूज हॉकी स्टिक्स के साथ। वो एक परफेक्ट डील थी, लेकिन वो आदमी हमारे घर से कुछ 2 घंटे की दूरी पे रहता था। जो नंबर एड पे दिया था उस पे मैंने कॉल किया। वो आदमी फोन पे तो काफी नॉर्मल लग रहा था, उसकी एक डीप और रफ वॉइस थी। बात करने के ढंग से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे हमें नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मुझे आज भी याद है उसकी आवाज काफी इमोशनलेस थी। क्योंकि डिस्टेंस बहुत लंबा था इसीलिए वो हाफवे हाईवे पे मिलने के लिए राजी हुआ। उसने कहा वो हॉकी नेट उसकी पिकअप ट्रक में लेके आ जाएगा, लेकिन उसने कहा कि वो उसका ऑफिस खत्म होने के बाद ही हमें मिल सकता है, जो कि काफी लेट था। क्योंकि ये डील अच्छी थी इसीलिए हम भी मान गए। मैं और मेरा बच्चा जो कि तभी बस 8 साल का था हमारी वैन में निकल पड़े। मैंने वैन इसीलिए ली ताकि मैं वो हॉकी नेट पीछे डिक्की में डाल के घर आ जाऊँ। कुछ 1 घंटे बाद हम डिसाइडेड लोकेशन पे पहुंच गए। वो लोकेशन काफी एम्प्टी थी, बट वहाँ पे 3 लाइट पोस्ट थे। मैंने एक लाइट पोस्ट के नीचे अपनी कार पार्क कर दी और वहाँ पे वेट करता रहा। तभी वहाँ पे एक पिकअप ट्रक आई। वो ट्रक मेरे गाड़ी के सामने पार्क हुई। मैं अपने कार से उतरा और उस पिकअप ट्रक के पास गया। मैंने नोटिस किया कि पिकअप ट्रक के पीछे कोई हॉकी नेट नहीं था। आर यू स्टीव, उसने मुझे पूछा। यस आई एम स्टीव, मैंने कहा। मेरा दोस्त उसके ट्रक में हॉकी नेट लाने वाला है, उसने ये कहा, और मेरे कार के पीछे उसने उसकी कार पार्क कर दी। मुझे कुछ बुरा होने वाला है ऐसी फीलिंग आई। मैंने अपने बच्चे को कहा कि वो गाड़ी में जाके बैठे और सब डोर्स लॉक कर दे एक्सेप्ट माइन। और तभी और 2 गाड़ियां हाईवे से चलते हुए हमारे मीटिंग लोकेशन पे आके पहुंची, और वो गाड़ियां मेरे गाड़ी के आगे पार्क हुई। और मुझे ये सरप्राइज नहीं हुआ कि उस गाड़ियों में भी हॉकी नेट नहीं था। मैं तभी काफी डर गया था, मेरा हार्ट रेस कर रहा था, मेरे लिए नहीं मेरे छोटे बच्चे के लिए जिसको मैंने पता नहीं क्यों उस ट्रिप में लाया था। 4 बड़े लंबे चौड़े इंसान विद मस्कुलर फिजिक्स उस ट्रक से बाहर निकले। वो मुझे घूर के देख रहे थे पूरे ऊपर से नीचे तक हेड टू टो, एक इंटिमिडेटिंग लुक देते हुए। फिर उनमें से एक बॉल्ड आदमी जो दाढ़ी के साथ था उसने अपने डीप वॉइस में मुझे पूछा, पैसे कहाँ है? मैंने इंस्टेंटली मेरे पॉकेट में हाथ डाला और मैंने अपना वॉलेट उस आदमी को दिया, उनसे बेग करते हुए कि मुझे और मेरे बच्चे को यहाँ से जाने दे। उसने मेरे वॉलेट में से $100 निकाले और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने मुझे और पैसे के लिए पूछा और उसने अपने 2 साथीदार को मेरे बच्चे को लेने के लिए इशारा किया। एट दिस पॉइंट आई बेग्ड एंड उन्हें चिल्लाते हुए कहा कि प्लीज मेरे बच्चे को ना लेके जाए। उनमें से एक आदमी ने मेरे कार की ग्लास ब्रेक कर दी, और मुझे आज भी मेरे बच्चे की हार्ट ब्रेकिंग डरावनी स्क्रीम्स याद आती है जैसे वो वहाँ पे चिल्ला रहा था। उसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए एक मिरेकल से कम नहीं है, वो मिरेकल जो बस भगवान ने किया होगा। एक कार हाईवे से एंटर कर रही थी हमारे डिसाइडेड लोकेशन पे। वहाँ पे खड़े सभी आदमियों ने पीछे देखा गाड़ी की तरफ। जैसे ही वो कार पास आई मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई ये देख के कि वो कार पुलिस की थी। पुलिस हमारे कार पार्क लोकेशन के पास आई ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। ये देखते ही सभी आदमी अपने ट्रक में चले गए विद इन सेकंड्स और वहाँ से फरार हो गए। मैंने पुलिस को पूरी तरह सब एक्सप्लेन कर दिया। जो ट्रक सबसे पीछे थी उसे पुलिस ने इमीडिएटली पकड़ लिया और बैकअप बुला लिया। मैं आज भी बिलीव नहीं कर सकता, लेकिन पुलिस ने मुझे एस्कॉर्ट किया अपने घर तक। मैं सभी लीगल चीजें तो आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि सभी लोग पकड़े गए एक्सेप्ट वन, जो कि मैं काफी श्योर हूँ वो वही था जो मुझे पहली बार पहले वाले ट्रक में मिला था। हाँ, मैं ये भी कहना चाहता हूँ इसके बाद मेरे क्रेगलिस्ट दिन खत्म तो नहीं हुए, लेकिन मैं काफी कॉशियस रहने लगा क्रेगलिस्ट मीटिंग्स के टाइम, और काफी प्रोटेक्टिव भी रहने लगा मेरे सन के साथ।